कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी ने उन्हें बुधवार 14 फरवरी को राजस्थान से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया। वे आज ही जयपुर गई और नामांकन दाखिल किया। वे निर्विरोध चुनी जाएंगी। सोनिया के साथ राहुल और प्रियंका भी मौजूद थे। सोनिया राज्यसभा जाने वाली नेहरू गांधी परिवार की दूसरी महिला है। इससे पहले इंदिरा गांधी 1964 से 1967 तक राज्यसभा सांसद रह चुकी है। इधर 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 4 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से उतारा है। उन्हें बीजू जनता दल पार्टी का समर्थन मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं बीजेपी से ओडिशा राज्यसभा के लिए नामांकित होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मैं भाजपा का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मुझे एक बार फिर अपनी सेवाएं देने की अनुमति देने के लिए मैं पार्टी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ। मेरे सार्वजनिक जीवन के सभी निर्णय पार्टी लेती है। मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी को, पार्टी की लीडरशिप को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को भी बहुत इस अवसर पर प्रार्थना करता हूँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।